हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिग्री टेक्निकल पॉइंट और मैं हूं दिनेश शर्मा। दोस्तों, आज की टॉपिक में हम जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है और ये किस तरह से वर्क करती है। दोस्तों, जिस तरह से किसी भी इंफॉर्मेशन को हम अपने माइंड में सेव करके रखते हैं, उसको याद करके रखते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर भी किसी भी डेटा या इन्फॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में सेव करके रखता है। तो पहले जानते हैं मेमोरी होती क्या है। इट इज ए फिजिकल डिवाइस दैट यूज टू टेम्परेरी और परमानेंटली डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोरेज पर्पज। यह एक फिजिकल डिवाइस होती है जो डेटा या इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली या फिर टेम्परेरी स्टोरेज करने के लिए यूज की जाती है। यानी कि एक ऐसा फिजिकल डिवाइस जिसका यूज किसी भी डेटा या इन्फॉर्मेशन को एक टेम्परेरी टाइम के लिए या फिर परमानेंट टाइम के लिए स्टोरेज करने के लिए यूज किया जाता है, वो मेमोरी कहलाता है। इसके टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैश मेमोरी। 3 टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है और कैश मेमोरी क्या होती है। अब बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी किस तरह से वर्क करती है, कुछ स्टेप्स के द्वारा इसको समझते हैं। इट इज मैन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। यह कंप्यूटर की एक मैन मेमोरी होती है। डेटा स्पीड इज फास्ट, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सीपीयू। यह सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, इसलिए इसकी डेटा स्पीड थोड़ी फास्ट होती है। इट नोज एज इंटरनल मेमोरी, और यह कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है। इट इज ए वॉलेटाइल मेमोरी, यानी यह एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहेगा, उसमें वर्क होता रहेगा, तब तक ये मेमोरी उसमें रहेगी। उसके बाद जैसे ही हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो ये मेमोरी वहां पे नहीं रहेगी, वो वहां से हट जाएगी, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। यानी कि टेम्परेरी मेमोरी होती है, परमानेंट नहीं होती है। इसकी टाइप्स की बात करें 2 टाइप्स की होती है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम की बात करें तो रैम भी 2 टाइप्स का होता है, डी रैम एंड एस रैम। डी रैम डायनेमिक रैम एंड एस रैम स्टैटिक रैम। और रोम की बात करें, रोम 3 टाइप्स का होता है, पी रोम, ई रोम एंड डबल ई रोम। पी रोम प्रोग्रामेबल रोम एंड ई रोम इरेसेबल प्रोग्रामेबल रोम एंड ई रोम इलेक्ट्रॉनिक इरेसेबल प्रोग्रामेबल रोम। यानी कि यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी यह एक मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, क्योंकि ये सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है और इसकी स्पीड भी हाई होती है, और ये मेमोरी तब तक ही उसमें रहती है जब तक कंप्यूटर हमारा ऑन रहता है। इसके टाइप्स में रैम और रोम, इसके 2 टाइप्स होते हैं। रैम में 2 टाइप्स होते हैं, एस रैम डी रैम, और रोम में 3 टाइप्स होते हैं, पी रोम, ई रोम एंड डबल ई रोम। इस तरह से यहाँ पे हमने जाना प्राइमरी मेमोरी के बारे में। आगे जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है। सेकेंड है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। इट इज यूज टू प्रोवाइड बैकअप, यानी कि इस मेमोरी का यूज बैकअप लेने के लिए किया जाता है। इट इज परमानेंट स्टोरेज मेमोरी, और यह परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है। ये प्राइमरी मेमोरी की तरह टेम्परेरी मेमोरी नहीं है, इसमें जो भी हमारा डेटा वगैरह सेव होगा परमानेंटली सेव होगा। इट इज यूज इन कंप्यूटर प्रोग्राम और प्रोग्राम एक्सिक्यूशन आउटपुट स्टोर परमानेंटली, यानी कि इस मेमोरी का यूज प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग के एक्सिक्यूशन से निकलने वाला जो आउटपुट होता है उसको परमानेंटली स्टोरेज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आफ्टर कंप्यूटर ऑफ इट इज सेव इन मेमोरी, यानी कि उसमें क्या था, प्राइमरी मेमोरी में जब कंप्यूटर हमारा ऑन रहेगा जब तक वो मेमोरी रहेगी, उसके बाद वो हट जाएगा, कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये परमानेंट मेमोरी होती है, इसलिए इसमें कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी हमारी जो मेमोरी है वो कंप्यूटर में सेव रहेगी। इसके एग्जांपल्स हैं सीडी रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एंड कॉम्पैक्ट डिस्क। इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। यानी कि पेन ड्राइव जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी का वर्क करती है, हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी मेमोरी का वर्क करती है, क्योंकि उसमें जो भी हम एक बार जो भी कुछ कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन उसमें हम डाल देंगे तो वो हमारा परमानेंटली वहां पे वो सेव हो जाएगा। इस तरह से सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसको कह सकते हैं इट इज ए परमानेंट मेमोरी। नेक्स्ट है हमारा कैश मेमोरी। इट इज हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी। यह एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इट प्रोवाइड स्पीड टू सीपीयू, और यह सीपीयू को भी स्पीड प्रोवाइड करती है। इट इज टेम्परेरी मेमोरी है, और यह एक परमानेंट मेमोरी नहीं है, टेम्परेरी मेमोरी है। इट वर्क एज ए बफर इन सीपीयू एंड मैन मेमोरी। यह सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में ऐसे बफर का वर्क करती है, एज ए मीडिएटर उनके बीच में वर्क करती है। इट इज टू पुट दैट पार्ट्स ऑफ डेटा और प्रोग्राम विच यूज मेमोरी बाय मोस्टली बाय सीपीयू। यह डेटा और प्रोग्राम के उन पार्ट्स को रखने के लिए यूज होती है जो सीपीयू द्वारा मोस्टली यानी कि ज्यादातर यूज होते हैं। बाय ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा पार्ट डिस्क टू प्राइमरी मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी टू कैश मेमोरी ट्रांसफर। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डेटा पार्ट्स को डिस्क से प्राइमरी मेमोरी में और प्राइमरी मेमोरी से कैश मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है। इट इज लेस टाइम टू डेटा एक्सेस मैन मेमोरी, और यह कम समय में डेटा को एक्सेस करती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा मेमोरी के बारे में दी गई जानकारी, मेमोरी क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।